नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। गाजीपुर में आज क्राइम ब्रांच और करंडा थाने की संयुक्त कार्रवाई में चार लुटेरे को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए लुटेरों के पास से लूट की एक बाइक, मोबाइल और 2940 रुपये नकदी भी बरामद किया गया है। साथ ही लूट में प्रयुक्त की गई बाइक, दो तमंचा के साथ जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। दरअसल पकड़े गए लुटेरे अपने शौक को पूरा करने के लिए लूट की घटना को अंजाम देते थे। मुखबिर की सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच और करंडा थाने की पुलिस से घेराबंदी कर करंडा थाने के धर्मापुर चट्टी के पास से गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा पुलिस लाइन में एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। बता दें कि 5 जुलाई को सैदपुर थाना के रावल गांव निवासी राजा राम यादव अपने गांव से चोचकपुर होते हुए जमनिया जा रहे थे कि दीनापुर के पास सभी लुटेरे तमंचे के बल पर बाइक, मोबाइल और 15,000 नकदी की लूट की थी। पुलिस ने लूट की घटना में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाशी कर रही थी। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने घटना को स्वीकार करते हुए शौक पूरा करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम देने की बात कही गई। सर, आज चार गिरफ्तार में क्या मामला है? ये चार अभियुक्त करंडा थाना क्षेत्र में 5 जुलाई 2020 को इनके द्वारा एक लूट की गई थी, जिसमें नोकिया का मोबाइल, मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुआ था। तो जिसमें करंडा के एसओ अपनी पूरी टीम के साथ व सर्विलांस व स्वाट टीम ने भी इसमें सहयोग किया। इन लोगों ने और आपके सीओ सिटी साहब ने भी इसमें सभी लोगों ने मिलकर एक अच्छा काम किया। इसमें इनके पास से जो इनके द्वारा लूट की गई थी, नोकिया मोबाइल बरामद हुआ है, मोटरसाइकिल बरामद हुई है और जिससे इन्होंने घटना कारित की थी वो बरामद हुआ है, दो तमंचा बरामद हुआ है और 2940 रुपये बरामद। तो ये पहली बार इस घटना को अंजाम दिए थे। पुराना इतिहास देखा गया लेकिन इनके इनका कोई पूर्व इतिहास नहीं है और इस घटना में जो भी लोग शामिल रहे सभी के सभी अभियुक्त पकड़े गए हैं और इसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस टीम को, जिस टीम ने इनको पकड़ने में मदद की, उनको 10,000 रुपये नगद पुरस्कार देने की घोषणा।